बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे हैं। तस्वीरें में देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय पहुंचे, जिस तरह से कोरोना के हालत बेकाबू हो रहे हैं, लगातार बिहार में आंकड़ा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, उसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाम 4:30 बजे से हाई लेवल मीटिंग बुलाई। और उसके बाद जो है तमाम जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बैठक शुरू हो गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिस तरह से बिहार में लगातार संक्रमण के आंकड़े में बढ़ोतरी इजाफा होते जा रहा है, उसी को देखते हुए आज हाई लेवल मीटिंग जो है शाम 4 बजे मुख्यमंत्री 4:30 बजे जो हैं वो सचिवालय में पहुँचे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बिहार जो नीतीश कुमार का जो काफिला है वो सचिवालय की ओर आ रहा है। और जिस तरह से बात कर ले कि इन कल की जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बिहार में जिस तरह से केसेस निकल कर सामने आ रहे हैं, कल जो आंकड़ा है वो बिहार का 6,000 के पार है। और वही उसी आंकड़े को देखते हुए बिहार में जिस तरह से पिछली बार जब कोरोना का मामला था तो यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन इस तरह के मामले निकल कर सामने नहीं आए थे। और जिस तरह का आंकड़ा कल निकल कर सामने आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और अब जिस तरह से बात कर ले कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, इस बैठक में कई तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि कल सर्वदलीय बैठक भी होनी है और उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम वरीय अधिकारियों के साथ साथ बिहार के दोनों डिप्टी CM साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक में क्या निर्णय होगा यह निकल कर जब सामने आएगा तो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो कयास है वो ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू सरकार के द्वारा आज से ही लगाया जाए। जिस तरह से बात कर ले कि तमाम जो होटल है जो जहां रेस्टोरेंट खुले हैं उस वो भी बंद हो सकते हैं, इन तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन कयासों के बीच जब यह बैठक चल रही है और जब बैठक ख़त्म होगी तब क्या कुछ निर्णय आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, साथ ही साथ बिहार के दोनों डिप्टी CM मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जिस तरह से बात कर ले कि बिहार में लगातार जो बेड की जो संख्या है और साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कई अस्पतालों में जो है वो गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। अगर जिनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो खुद ही जो है वो लेकर अगर व्यवस्था है तो जाएंगे तो वहाँ उनकी भर्ती हो सकती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है इसको लेकर भी जो है कई तरह के जो सवाल है वो उठ रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल बैठक चल रही है, जब बैठक ख़त्म होगी तो क्या कुछ मामला निकल कर सामने आता है, क्या कुछ सरकार का गाइडलाइन होगा वो भी हम आपको बताएंगे। ब्रांड इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।